नमस्कार, मैं साक्षी, मिनिस्टर लाइव में आप सब दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। केदारनाथ में बनी गुफा में ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को केदारनाथ पहुंचने के बाद केदारनाथ में बनी गुफा में ध्यान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आने के बाद गुफा में ध्यान करने जाएंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और SPG केदारनाथ में PM की तैयारियों में जुटे हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है, जबकि मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर बनी ध्यान गुफा की ऊंचाई करीब 12,250 फीट है। केदारनाथ के विकास का जिम्मा संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में गुफा बनाने के निर्देश दिए थे। बीते साल बनी गुफा का संचालन इस साल से विधिवत शुरू हो गया। इस साल महाराष्ट्र के जय शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में रुकने वाले दूसरे मेहमान होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचने के बाद साय गुफा में मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। SPG जिलाधिकारी SP ने भी बुधवार को गुफा का निरीक्षण किया। PM मोदी की पत्नी की चिंता न करें मायावती, खुद कर ले शादी। वाराणसी में PM मोदी के लिए चुनाव प्रचार करने गए NDA के सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है। रामदास आठवले PM मोदी की पत्नी को लेकर दिए गए मायावती के बयान की निंदा की और कहा कि मायावती को PM पत्नी की चिंता करने की जगह खुद शादी कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही रामदास आठवले ने महागठबंधन और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाले बयान पर कहा कि ये अखिलेश यादव को नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूरे देश को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी एक बार फिर PM के रूप में दिखाई देंगे। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी पत्नी को लेकर हमला किया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के लिए 17 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। अब सबकी निगाहें 19 को होने वाले 7वें चरण के मतदान पर है। तो अमिनिस्टर की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हमने सिंधी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।